नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ विद अनूप थपलियाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस समय हम हैं यहाँ पर नजीबाद रोड में आयकर विभाग के बगल में जो पटाखों के लिए स्थान चयनित किया गया है वहाँ पर गए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पटाखों की खरीदारी जो कि यहाँ के दुकानदार बता रहे हैं कि दो दिन तक मार्केट यहाँ पर बड़ी सुस्त रही, लेकिन आज अच्छी बिक्री यहाँ पर सबकी हुई, यानी अच्छी दीपावली सबकी मन रही है। व्यापारियों में इस बात को लेकर काफ़ी खुशी है। छोटे बच्चे और बड़े सभी यहाँ मैदान में पटाखे लेने के लिए आए हुए हैं। काफ़ी भीड़ यहाँ पर इस समय जमा भी है। देखिए लोग आ जा रहे हैं दुकानों में। शाम का हल्का सा अंधेरा भी होने लगा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। पटाखों की बिक्री लगातार यहाँ पर की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं पटाखों को लेकर, और दुकानदारों का भी कहना है कि दो दिन शांत रहने के बाद आज पटाखों की अच्छी बिक्री यहाँ पर हुई है। आए जानते हैं स्थानीय दुकानदार हमारे राजेंद्र भाटिया जी से कि कैसे कैसे यहाँ पर पिछले दो दिनों से पटाखों का बाजार रहा, कैसे यहाँ पे बिक्रियाँ की हैं हो रही है, और किस तरह से लोग पटाखों को लेकर इस समय उत्साहित हैं। ऐसा है कि दो दिन तो बहुत मंदा रहा है कि लास्ट वाले दिन थोड़ा सा पटाखों वालों का पब्लिक ने दिल जीत लिया है और पटाखों वालों का खूब मज़ा आया लास्ट वाले दिन। यहाँ की जनता से बड़े पसंद हुए पटाखे बेचने वाले कि मनोरंजन भी अच्छा रहा है और पब्लिक का लुत्फ़ उठाते हुए हम लोग मेले का मज़ा ले रहे हैं पटाखे का। सारे पटाखे फोड़ूंगा। और कैसी रही दिवाली? अच्छी रही इस बार दिवाली। तुम्हारी दुकान भी है पटाखे? हमारी दुकान भी है यहाँ पे। पटाखे खूब बिके? हाँ पटाखे खूब बिके। मतलब मौज है पूरी? मौज है, हाँ बिल्कुल मौज है। हैप्पी दिवाली भी बोल। हैप्पी दिवाली टू ऑल। बहरहाल पटाखों की बिक्री अभी जोरों पर है और लगता है इस बार दीपावली बहुत जोर शोर से कोटद्वार में मनाई जाएगी। फिलहाल इतना ही। आप सभी दर्शकों को अनूप थपलियाल की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मस्त रहें।